सेपरेशन के बाद मलाइका ने की एक एक्टर के साथ लेट नाइट पार्टी। मलाइका की लेट नाइट पार्टी। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड हेलो, मैं हूँ सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स और जूसी गॉसिप। और आज का शो किक स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी क्या है आज की हेडलाइंस। सोनाक्षी को चाहिए कैसा लड़का? इमरान हाशमी के किस को कौन करता है मिस? रणवीर ने किया आमिर को नाचने पर मजबूर। और अर्जुन ने लगाई आयुष्मान की क्लास। मगर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी, कल रात हुई एक पार्टी जहां पहुंची मलाइका अरोरा खान ऑब्वियसली विदाउट हर बज, और उन्होंने देर रात तक की एक एक्टर के साथ पार्टी। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, लेट्स चेक इट आउट। मुंबई में हुई कल रात एक पार्टी, सैफीना ने रखी कल ये पार्टी, पहुंचे उनके कई दोस्त, देर रात तक चली इस पार्टी में। ओह, एक्चुअली कहना चाहिए सुबह तक चली इस पार्टी में एक ऐसी चीज हुई जिस पर चला गया हमारा ध्यान। वहां पहुंचे करिश्मा कपूर, सैफ की फ्रेंड डॉक्टर अदिति, और भी कुछ लोग थे वहां मौजूद। मगर रात 11 बजे करीना के को एक्टर अर्जुन कपूर ने ली इस पार्टी में एंट्री, फिर लगभग 2 घंटे बाद वहां पहुंची मलाइका अरोरा खान, और फिर देखिए जूम के कैमरा ने किया इन्हें एक साथ पार्टी करते हुए कैप्चर। यहां छत पर ये अर्जुन और मलाइका ही हैं जो कर रहे हैं इस पार्टी को एंजॉय। मलाइका ने भी इस पार्टी से निकलने में भी लगाई बड़ी देर। सुबह के लगभग 5:30 बजे मलाइका सैफीना के घर से निकली बाहर, शायद वो मीडिया के वहाँ से निकलने का कर रही थी इंतजार, मगर जूम ने उन्हें वहाँ से निकलते हुए कैप्चर कर ही लिया। इस पार्टी की खास बात यही रही कि अपना सेपरेशन अनाउंस करने के बाद मलाइका और फ्रेंड अर्जुन एक ही छत के नीचे पार्टी करते हुए दिखे। वेल, इट सीम्स लाइक मलाइका हैज श्योरली मूव्ड ऑन। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सोनाक्षी की शादी अगर होगी तो उन्हें चाहिए किस तरह का लड़का, ये है एक बड़ा सवाल। एक्चुअली बड़ा सवाल उनके लिए है जो उन्हें चाहते हैं। तो क्या क्वालिटीज चाहिए सोनाक्षी को शादी करने के लिए, आइए पता करते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि अगर सोनाक्षी का स्वयंवर होगा तो किस तरह का लड़का जीतेगा सोनाक्षी का स्वयंवर। क्या वो कोई फिल्म एक्टर होगा? जवाब है नहीं। तो क्या वो कोई बिजनेसमैन का बेटा होगा? जवाब है नहीं। अजी ना टीवी का एक्टर होगा ना हॉलीवुड एक्टर, फिर कौन जीतेगा सोनाक्षी का स्वयंवर? दरअसल वो तो होगा एक राजकुमार यानी प्रिंस। सुनिए, खुद सोनाक्षी की मम्मी ऐसा कह रही हैं। आई वुड वांट द बेस्ट फॉर हर, मैं तो चाहूंगी कि एक राजकुमार उसको मिले। देखा आपने, सोनाक्षी की मम्मी पूनम सिन्हा ने जूम से खास बातचीत में कहा कि वो चाहती हैं कि सोनाक्षी को एक राजकुमार मिले। जब उन्हें लगता है कि उनकी बेटी एक बड़ी स्टार है, बहुत गर्व है हमें सोनाक्षी पर, तो भला वो किसी प्रिंस से कम अपनी बेटी के लिए क्यों एक्सपेक्ट करेंगी? आई वुड वांट द बेस्ट फॉर हर, मैं तो चाहूंगी कि एक राजकुमार उसको मिले। अब हम तो यहाँ इतना ही कहेंगे पूनम जी कि सोनाक्षी को उनका प्रिंस चार्मिंग बस जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि सोनाक्षी के चेहरे की स्माइल थोड़ी और बड़ी हो जाए। फॉर ज्योति कुमारी सिंह, जूम, मुंबई। इमरान हाशमी अपनी किसेस के लिए तो फेमस है ही,
मगर अब एक एक्ट्रेस ने कहा है कि वो इमरान को किस करने का एक चांस चाहती है। स्ट्रेंज लग रहा है ना, बट सच है। लेट्स सी। I am the only actress that he's worked with who he hasn't kissed. Lara se miss hui Imran ki kiss. I am the only actress that he's worked with who he hasn't kissed. Azhar mein Imran ke saath kiss scene na kar paane ka Lara Dutta ko hai afsos. I am the only actress that he's worked with who he hasn't kissed. Well, actor Imran Hashmi, jinki pehchan hi Bollywood mein kissing king se hoti hai. Upcoming film Azhar ke promo mein Imran ke kiss ka jalwa dikha. Nargis ke saath Imran ne film mein kai kissing scenes diye hain. इमरान की इस किस पर अजहर को भी एतराज नहीं है। Well, I think with Imran Hashmi, actually it's not a love making scene, you know, it was pretty, I think it was very tough thing to say. But anyways, with Imran Hashmi, you expect that. You know, if you go there and Imran Hashmi is not doing that, I mean, you will come out very disappointed. Hi, Ekta. Don't you reckon? Imran shares seasoning chemistry with everybody. I sizzle with everyone. There's not a problem. There's nothing new for him. Ask me something new. ऐसे में अब जब इमरान ने फिल्म में लारा के साथ एक भी किसिंग सीन नहीं दिया तो लारा को ये बात कुछ जमी नहीं और उन्होंने अजहर के प्रोमो लॉन्च पर अपने दिल की ये कसक निकाल दी। I am the only actress that he's worked with who he hasn't kissed. लारा ने हंसकर अपने दिल के दर्द को भले ही छुपा लिया हो, लेकिन हमें तो लगता है लारा ने वाकई इमरान के साथ किस करने का गोल्डन चांस मिस कर दिया है। I mean, this is my first film with Balaji. And of course, my second with Tony, but my first with Imran. And I think at the end of this film, I am the only actress that he's worked with who he hasn't kissed. So, we shall leave that. I hope Imran ke saath kiss karne ki chahat kisi aur film mein puri ho jaye. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. रणवीर सिंह पहुंचे एक अवार्ड नाइट पर और वहां उन्होंने आमिर को नाचने के लिए कर दिया मजबूर और फिर आमिर को अपनी ही धुन पर नचाया। क्या था ये पूरा मामला? लेट्स चेक इट आउट। रणवीर सिंह की पाठशाला में आमिर खान ने लगाए ठुमके। रणवीर की मस्ती तो आप हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन पहली बार देखिए परफेक्शनिस्ट खान के साथ रणवीर की ठुमकों का ये नजारा। स्टेज पर आमिर को नचाना रणवीर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। रणवीर की गुजारिश पर आमिर ठुमके लगाने के लिए राजी हो ही गए। इस इवेंट पर आए रणवीर को तो बस स्टेज पर जाने का इंतजार था और जैसे ही फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए उनके नाम की अनाउंसमेंट की गई, वो पहुंच गए स्टेज पर अवार्ड लेने। सबका दिल जीतने वाले रणवीर सिंह जी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। और इसके बाद क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। पोडियम पर खड़े रणवीर ने सबके साथ मस्ती की। रणवीर सिंह ने आमिर खान का भी मजाक उड़ाया। आज वो पहला अवार्ड फंक्शन है जहां आमिर साहब मेरे को मिले। रणवीर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं थोड़ा बोलूं? नहीं, मतलब मैं प्रिपेयर कर गया। वेल, रणवीर की मस्ती पर आज ब्रेक नहीं लगने वाला था क्योंकि वो तो आमिर के साथ डांस करने के पूरे मूड में थे। लेकिन
लेकिन हाँ, लोकमत अवार्ड लेने आए रणवीर थैंक यू करना नहीं भूले। थैंक यू फॉर दिस ऑनर। व्हेन मिस्टर भंसाली ऑफर्ड मी बाजीराव मस्तानी एंड आई अंडरस्टूड दैट आई हैड टू एसे द लाइफ ऑफ सच अ ग्रेट वॉरियर, आई सेड टू माय सेल्फ दैट आई विल परफॉर्म from really my heart and soul to try my best to make a significant contribution to the arts and to do justice to a great life and a great warrior. And it gave me, acting the role of Bajirao gave me a sense of belonging. For Jyoti Singh, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Planet Bollywood. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। और अब आपको ले चलते हैं एक फैशन शो में जहां भूमि पेडनेकर रैंप वॉक कर रही थी, मगर इतनी नर्वस थी कि गिरते गिरते बची। फर्स्ट टाइम यू सी सीना। रैंप वॉक करते ही चला गया भूमि पेडनेकर का कॉन्फिडेंस। LFW 2016 के रैंप पर जलवा दिखाने आई भूमि हो गई नर्वस। देखा ना आपने, ट्रेडिशनल अटाया में डिजाइनर सोनम और पारस मोदी की शो स्टॉपर भूमि लग तो बेहद खूबसूरत रही थी। लेकिन फर्स्ट टाइम रैंप वॉक कर रही भूमि के चेहरे पर उनकी नर्वसनेस साफ झलक रही थी। वॉक करते ही भूमि को अपनी ड्रेस संभालनी पड़ी। इसके बाद तो ये एक्ट्रेस इतनी कॉन्शियस हो गई कि जब तक वॉक पूरी नहीं हुई उनके चेहरे की घबराहट गई ही नहीं। डोंट ट्रिप भूमि, प्लीज डोंट ट्रिप। आई थिंक सो आई डिड अ लिटिल, आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड, आई वाज जस्ट लाइक ओके वॉक देयर टर्न वॉक बैक, बट नो आई एंजॉयड इट अ लॉट। आई वाज अ लिटिल नर्वस बट ऑल हैपेंड सो फास्ट यू डोंट रियली रियलाइज व्हेन योर वॉक इज डन, बट इट वाज गुड फन। आई एम ग्लैड माय फर्स्ट टाइम वाज विद देम। भूमि की बेचैनी उनके डिजाइनर्स भी समझ गए थे, तभी तो उनके साथ रैंप पर आए डिजाइनर्स ने उनकी ड्रेस संभाली ताकि बिना किसी फैशन फॉप आके रैंप वॉक कंप्लीट हो सके। वहीं दूसरी तरफ रैंप पर सोनाक्षी का तेवर देखने लायक था। अनीता डोंगरे को रिप्रेजेंट कर रही सोनाक्षी अपने आउटफिट में बहुत एलिगेंट लग रही थी। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी एंड श्रुति हासन आल्सो सेट द रैंप ऑन फायर। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। शेट्टी और करण जौहर अब चाहते हैं कि साथ में एक मूवी प्रोड्यूस करें, मगर इन दोनों के बीच में एक एक्टर को लेकर हो गई है लड़ाई, वो भी मूवी स्टार्ट होने से पहले। तो कौन है ये एक्टर, लेट्स फाइंड आउट। बॉलीवुड में शुरू हो गई है एक और वॉर। एक एक्टर की वजह से करण जौहर और रोहित शेट्टी के बीच शुरू हुई अनबन। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि है करण जौहर के फेवरेट सिद्धार्थ मल्होत्रा। जूम को अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की वजह से करण और रोहित में आ गए हैं डिफरेंसेस।
और इन डिफरेंसेस की वजह है रोहित शेट्टी की नेक्स्ट फिल्म राम लखन। सोर्सेस की माने तो करण जौहर चाहते हैं कि उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म राम लखन में रोहित शेट्टी करण के फेवरेट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कास्ट करे। वहीं रोहित ऐसा नहीं चाहते। रोहित का कहना है कि स्क्रिप्ट अभी इनिशियल स्टेज में है, ऐसे में वो किसी भी एक्टर को लॉक नहीं कर सकते। लेकिन करण की ख्वाहिश है कि रोहित सिद्धार्थ को ध्यान में रखकर ही फिल्म राम लखन की स्क्रिप्ट को पूरा करे। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की इसी अलग अलग ख्वाहिश ने शुरू कर दिया है हंगामा। अब ना ही करण रोहित की बात मानने को तैयार है और ना ही रोहित करण की शर्त को कबूल करने को रेडी हैं। ऐसे में रोहित और करण की ये अनबन कहां आकर रुकती है, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। It's time now to talk about Time Celebex, the most definitive rating index for Bollywood stars. तो कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शामिल होंगे टॉप 10 में? किसने मारी है बाजी टू बी फीचर्ड इन Time Celebex? चेक दिस आउट। Time Celebex, the most definitive rating index for Bollywood stars, powered by Zoom. Time Celebex के scores based हैं hard facts और figures पर, जो हम collect करते हैं using more than 60 plus newspapers and 250 plus TV channels, box office collections data from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. इस बार Time Celebex powered by Zoom पर हम जानेंगे कि इस महीने की टॉप 10 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स कौन हैं। Watch Time Celebex on Saturday, April 2nd, 7:30 p.m. and Monday, April 4th, 2:30 p.m. So stay tuned to Zoom. Turn on. Euro Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show, but we'll be back tomorrow with bigger and bolder stories from Bollywood. Till then, keep watching Zoom and stay turned on. Planet Bollywood.